guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So today's video is the highly requested video. सबसे मेरे पास request आ रही थी कि sunscreen के ऊपर भी video बनाओ. So आज के इस video में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. Top 6 sunscreen brands for men in India. और उन सबको हम टेस्ट करने वाले हैं कौन सी आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करती है कौन सी नहीं करती है. तो ये बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाली है सनस्क्रीन के ऊपर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सनस्क्रीन हमें अप्लाई क्यों करनी चाहिए. तो सनस्क्रीन एक्चुअली आपकी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, सन की यूवी रेस से, या आपकी प्री मेच्योर एजिंग को भी रोकती है और साथ साथ जो टैनिंग हो जाती है सन की वजह से उसे भी प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करती है. अब हम जानते हैं कि कितने टाइप की सनस्क्रीन होती है. दो टाइप की होती है, एक तो आपकी स्किन पे अप्लाई करने के बाद वो यूवी रेस को अब्सॉर्ब कर लेती है या फिर यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर लेती है. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि क्या हम लोग घर में हैं तो हमें भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए या नहीं. तो आंसर इज येस, यू शुड डेफिनेटली, क्योंकि जहां पर भी लाइट आ रही है, जहां पर भी विजिबिलिटी है, दैट मींस कि वहां पे यूवी रेज आ रही है कि उसमें भी आपको अप्लाई करने की जरूरत है. तो अब हम बात करते हैं टॉप 6 सनस्क्रीन ब्रांड्स फॉर मेन इन इंडिया. मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा रिसर्च करके 6 ये ब्रांड्स चूज करे हैं जिनको मैं डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहता था. और हम सब ब्रांड्स की एक एक करके बात करेंगे कि कौन सी स्किन में वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, कौन सी स्किन टाइप के लिए वो बेस्ट है, कितने का आपको पड़ेगा, और फिर फाइनली उसको हम टेस्ट भी करेंगे अपनी स्किन पे. सो नंबर 1 इज मामाअर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन, और ये सब स्किन टाइप के लिए है. इसके अंदर जो SPF है वो है 50, सो यानी कि ये इंडियन समर्स के लिए तो बेस्ट काम करती है. अब देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. मैं इसको यहाँ पे अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहा हूँ. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज्यादा थिक है और मैं इसको अब मसाज करता हूँ अपनी स्किन पे. ये एक्चुअली बहुत टाइम ले रही है अब्सॉर्ब होने में और थोड़ा सा वाइट बेस इसका टेक्सचर है, तो यानी कि अगर आप इसको अपनी फेस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा वाइट आपके फेस पे दिख सकता है. तो कई कई बार सनस्क्रीन लगाने के बाद फेस पे पसीना बहुत ज्यादा जनरेट होने लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है. नेक्स्ट वन इज VLCC की रेडियंस प्रो सनस्क्रीन जेल. ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है और ये SPF 30 है, विच इज लेस इफेक्टिव देन मामाअर्थ की सनस्क्रीन, बट इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे थे और ये हाईली यूज सनस्क्रीन है इंडियन समर्स में, सो लेट्स टेस्ट दिस वन. जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये इमीडिएटली स्किन में अब्सॉर्ब हो जा रही है, कुछ भी ऐसा वाइट आपको नहीं दिख रहा है. VLCC की सनस्क्रीन आपको पड़ेगी 499 rupees. नेक्स्ट वन इज माई फेवरेट न्यूट्रोजीना की अल्ट्रा शीट ड्राई टच सन ब्लॉक. ये एक्चुअली ड्राई बेस्ड है बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ड्राई बेस्ड है, क्योंकि मैं इसको अप्लाई जब भी करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है और स्किन पे वाइट थोड़े से पैचेस बन जाते हैं. मैंने इसको पूरा गोवा में अप्लाई किया था एंड मेरी स्किन बहुत हद तक प्रोटेक्ट हो गई थी. अब इसको अप्लाई करते हैं, बिल्कुल भी ड्राई टच में नहीं है एंड इट्स अ क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन. न्यूट्रोजीना की ये सनस्क्रीन आपको पड़ेगी 506 rupees की. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट. मैं इस सनस्क्रीन को बहुत दिनों से ट्राई करना चाहता था, क्योंकि मैं आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे इस सनस्क्रीन के बहुत ज्यादा एड्स देख रहा हूँ. SPF 50 एंड इसके अंदर नाइसिनामाइड, विटामिन B5 और विटामिन F भी है और ये हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. तो लेट्स टेस्ट दिस वन. मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी क्रीम बेस्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि स्किन पे अब्सॉर्ब तो हो रही है प्रॉपर्ली, बट थोड़ा सा वाइट मुझे लगता है कि इसमें भी होगा. मिनिमलिस्ट की ये सनस्क्रीन आपको पड़ेगी 399 rupees की, विच इज सुपर अफोर्डेबल. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड डर्माको. ये SPF 60 है. मुझे ऐसा लगता है कि ये अब तक की सबसे बेस्ट सनस्क्रीन होने वाली है, क्योंकि जितनी भी हमने ट्राई करी हुई या तो SPF 30 है या फिर SPF 50 है, दिस वन इज SPF 60 एंड ये मैट बेस्ड में है, यानी कि आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ऑयल ये नहीं होना चाहिए. ये मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन ले ली है एंड डेफिनेटली ये थोड़ी सी मैट बेस्ड में है और जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया ये पूरी तरह से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गई है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने कुछ अप्लाई भी किया हुआ. मुझे अब तक की सबसे बेस्ट सनस्क्रीन लगी है अमंग ऑल दीज सनस्क्रीन. डर्माको की ये सनस्क्रीन आपको पड़ती है 499 rupees में. रिक्विल की सनस्क्रीन, ये भी मैट बेस में है, ड्राई टच्ड है और ये भी है SPF 50. लेट्स टेस्ट दिस वन. इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. अब मैं इसको थोड़ा सा मसाज करता हूँ स्किन पे एंड लेट्स सी कि कितनी जल्दी हमारी स्किन पे ब्लेंड हो जाती है. एंड थोड़ी देर मसाज करने के बाद
ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है एंड बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि स्किन पे कुछ अप्लाई भी किया हुआ है। तो जब से मैंने इसको लिया है पिछले कुछ हफ्तों से मैं इसको एवरीडे यूज करता हूँ और अभी भी मैंने अपने स्किन पे अप्लाई कर रखी है। आई रियली लाइक इट और अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी जो पसीना आता है हमारा बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट जो पैचेस बन जाते हैं धूप में पसीने में वो भी नहीं होती है। तो हमने 6 सनस्क्रीन टेस्ट करी और उनकी कंसिस्टेंसी चेक करी, कितनी अच्छे से हमारी स्किन में अब्सॉर्ब होती है, कितना उसका SPF है और कितने प्राइस में है। उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए मुझे जो सबसे बेस्ट 3 सनस्क्रीन लगी हैं, विच इज रिक्विल की सनस्क्रीन, सेकेंड वन है डर्माको की ये मैट टच की सनस्क्रीन एंड थर्ड वन है VLCC की रेडियंस प्रो सनस्क्रीन। ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, जिनको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन यूज दिस वन। क्योंकि हमारे पास 2 सनस्क्रीन है मैट बेस्ड में तो मैं क्या करने वाला हूँ, उनमें से कोई एक चूज करूंगा। मैं चूज करने वाला हूँ डर्माको को क्योंकि ये प्राइस में भी सस्ती है, SPF 60 भी है एंड मैट बेस में भी है। मैं रिक्विल को इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी है और ये SPF 50 है जो कि डर्माको से थोड़ी सी कम है। सो आई विल गो विद दिस वन। तो हमारी टॉप 2 सनस्क्रीन निकल के आई है डर्माको की और VLCC की। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे लाइव धूप में जा करके। मैं क्या करने वाला हूँ, एक तरफ लगाऊंगा ये डर्माको की सनस्क्रीन अपने हाफ फेस में और दूसरी तरफ लगाऊंगा ये VLCC की सनस्क्रीन और उसके बाद हम जाएंगे 40 डिग्रीज में धूप में और आधे घंटे में वेट करूंगा क्योंकि आधे घंटे बहुत होते हैं सन की यूवी रेस को आपकी स्किन को डैमेज करने के लिए। सो लेट्स डू दिस। जो लेफ्ट साइड का फेस है उसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ डर्माको की सनस्क्रीन। तो मैंने अपने लेफ्ट साइड पे डर्माको की सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है। अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ राइट साइड पे VLCC की सनस्क्रीन। तो हमने दोनों सनस्क्रीन को अप्लाई कर लिया है एंड यू गाइस कैन सी कि जो डर्माको वाली सनस्क्रीन थी वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गई है और ये VLCC की जो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है वो थोड़ी सी अभी भी स्किन पे है और अब्सॉर्ब होने में थोड़ा टाइम ले रही है। अब चलते हैं हम लोग सीधे धूप में। सो गाइस मैं धूप में आ चुका हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के ही नीचे आया हुआ हूँ ग्राउंड फ्लोर पे और बहुत गंदी धूप है, 40 डिग्रीज टेम्परेचर है। मैं यहीं पे वेट करूँगा 30 to 45 मिनट्स। गाइस ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं एंड पसीना बुरी तरह आ रहा है। गाइस 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर। गाइस 45 मिनट्स हो चुके हैं, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि मुझसे बिल्कुल नहीं रुका गया। अब बारी है इन दोनों सनस्क्रीन की रियलिटी को टेस्ट करने की। तो लेफ्ट साइड वाली सनस्क्रीन थी जिसमें मैंने डर्माको की सनस्क्रीन अप्लाई करी हुई थी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पसीना आया है बट इतना ज़्यादा नहीं है। जो राइट साइड की सनस्क्रीन थी जिसमें मैंने VLCC की अप्लाई करी थी उस पर बहुत ज़्यादा पसीना एक्यूमुलेट हो चुका है। अब मैं इन सनस्क्रीन को पोछूंगा और देखूंगा कि कितनी सन टैनिंग हुई है मेरी स्किन पे। तो यू गाइस कैन सी कि थोड़ी बहुत सनस्क्रीन मेरे हाथ में आई है, यानी कि ये पूरी तरह से हटी नहीं थी। नेक्स्ट हम लेफ्ट साइड वाली सनस्क्रीन हटाते हैं डर्माको वाली। ओ बहुत अच्छी तरह से और स्मूथली हट रही है एंड यू गाइस कैन सी कि कुछ भी नहीं आया है टिश्यू पेपर में, मतलब कि पूरा टिश्यू पेपर एकदम ब्लैंक है और खाली है। तो इन दोनों सनस्क्रीन्स में से मुझे जो सबसे बेस्ट लगी है वो है डर्माको की सनस्क्रीन, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी कॉम्बिनेशन बेस्ड स्किन है, यानी कि ऑयली भी है। मेरा जो नोज का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है और जो माथे का और गाल का पार्ट है वो ड्राई है। तो मेरी स्किन पे डर्माको की जो सनस्क्रीन है वो बहुत अच्छे से इसने वर्क करा है। वहीं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर आप अपनी फेस पे क्रीम बहुत देर तक अप्लाई करके रख सकते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो विद VLCC की सनस्क्रीन। बट मेरी स्किन पे सन डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है, दोनों ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है इतनी हार्श सनरेज में। ये 2 सनस्क्रीन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है इंडियन मार्केट में और जितनी भी सनस्क्रीन मैंने आपको बताई है वो सारी भी बेस्ट है, कहीं ना कहीं आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है एंड हाईली रिव्यूड है। तो जितनी भी मैंने आपको सनस्क्रीन शो करी है इस पे सबके सब Amazon से मैंने खरीदी है, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। So definitely check them out and that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सनस्क्रीन के ऊपर तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।